हेलो, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। मैं आज एक और दो तबले बनाए हैं जिनके सुरों को और जिनकी जो मुहार है, मुंह है, उसके बारे में आप लोगों को बताना था। और ये दो तबले हैं जो मेरे जसवीर सिंह जी हैं, जो डेरबी लंदन में रहते हैं, उनके लिए ही मैंने तबले बनाए हैं। जसवीर सिंह जी हैं और हमारे जो मनप्रीत भाई हैं, उनके जीजाजी हैं ये, तो उनके लिए ही मैंने जो तबले बनाए हैं और ये डेर भी जाएंगे। और बस जब कोई चीज़ बनती है तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग दुनिया में जहाँ जहाँ हैं वो उसको देखें और जानें, क्योंकि पहले बनाने वाला खुश होना चाहिए, फिर उसके बाद में जब बनाने वाला खुश होगा तो बजाने वाले भी अपने आप ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। तो वीडियो का बनाना सिर्फ यही मकसद है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं और किस तरह बनी है वो, उसका हम आप तक पहुंचाएं वो मैसेज। क्योंकि तो यहाँ पर ख़ास तौर से मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में तबला बनाते हैं जो लोग वो भी तबले की वीडियो डालते हैं, और जो नहीं बनाते हैं वो भी वीडियो डाल रहे हैं। अगर उनके किसी माँ बाप ने या रिश्तेदार ने कोई भी बनाए तबले, तो वो उसको ये समझ रहे हैं कि वो आज हम भी वैसे ही तबला बना लेंगे, जबकि बनाते में कोई बात नहीं ऐसी होती, बनाने की कोई बात नहीं ऐसी होती। खैर, वो अपनी जगह पर है, हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम दिखाना है। हम आपके साथ वो काम करना चाहते हैं, आपके साथ उस तरह से रहना चाहते हैं जो एक किसी जानकार का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से ये देखिए, ये तबला तीसरे काले पर है, यानी कि एफ शार्प। ये देखिए, ये देखिए, और इसका रेजोनेंस देखिए आप, जो इसका रेजोनेंस होता है ये, क्योंकि ये सब काम प्रैक्टिकल है। इस मुंह से अगर मैं कहता रहूं और ये और वो, ऐसे कुछ नहीं, यहां पर दिखाना पड़ेगा किसी भी तबला बनाने वाले को, यहां पर तब समझ आएगा कि हाँ वाकई ये तबला बनाना जानता है। अगर यहां नहीं दिखा पाया तो वीडियो बनाने से कोई काम नहीं चलेगा, चाहे वो अवार्ड ले ले या कुछ भी कर ले, इसमें दिखाना पड़ेगा आपको। मेरे बाप ने बहुत तबले बनाए, मेरे डैडी ने ना जाने किस किस के तबले बनाए, मैं तो उनका फोटो नहीं लगाता यार, क्योंकि वो उनका करना उनके साथ था, ये मेरा करना है। क्योंकि आज मैं जो जिसको बना के दूंगा वो भी इसको बजाना चाहता है हाथों हाथ, यानी कि वो भी ये कहेंगे जी मेरे पिताजी बजाते थे आपके पिताजी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मैं बनाता हूँ तो मेरे सामने जो बजाने वाले हैं उनके सामने ये चीज़ आनी चाहिए, जो मेरे पिताजी ने करी वो मैं करके दिखाऊं, तब तो है वो बनाना और वीडियो बनाना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। ये देखिए तबला, ये तीसरे काले में है, और इसके ये सब बड़ी खूबसूरती के साथ, इसके जो गिट्टे हैं बहुत खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं, और इसकी बद्दी है, और इसकी जो लकड़ी है ये देखिए आप, ये लकड़ी नेचुरल है। इसको लोग काला शीशम कहते हैं, बल्कि ये काला शीशम है नहीं, इसी को लोग काला शीशम कह करके झूठ बोल के अपना कारोबार करते हैं, हम नहीं करते ऐसा। और वजन में भी काफी हैवी है ये देखिए, ये दूसरे काले का है। ये तबले का स्वर दिखा देता हूँ आपको, ये दूसरा काला, ये क्योंकि तो हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा चोट लग हुई है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे। ये देखिए,
और सेम इसी तरह से ये भी लकड़ी बनाई गई है, और इसकी स्याही वगैरह देखिए आप, स्याही की शाइनिंग देखिए, सब कुछ देखिए आप, ये देखिए। और ये इसी तरह से ये भी लकड़ा बहुत साफ सुथरा है, और ये ओरिजिनल जो इसको हमारे निगम वुड कहते हैं, ये वो लकड़ी है। लोग इसको, इस लकड़ी को काला शीशम कह के बेचते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा, उनको जो है समझना और परखना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आपने देखा, ये नेचुरल वुड है और इस पर कोई पेंट वगैरह नहीं है किसी तरह का, ये नेचुरलिटी की पहचान है। ये देख लीजिए, ये देखिए, और इसके जो गट्टे हैं ये भी हमने स्पेशल तरीके से बनाए हैं, थोड़ा सा पॉलिश किया है इस पर, क्योंकि ये भी वैसे ही तबले हैं जैसे गट्टे हैं, जैसे ये लक्कड़ है उसी तरह का है। और इसकी जो फिनिशिंग है, इसमें देख लीजिए, इसकी शाइनिंग देख लीजिए पूरी स्क्रीन की चारों तरफ से, ये देखिए इसकी आवाज, ठीक है। तो बस मुझे यही दिखाना था, और ये बस आज मैं इनके जसवीर भाई के, जो डेरबी इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन के अंदर, ये वहाँ जा रहे हैं उनके पास, बहुत अच्छे आर्टिस्ट लोग हैं और बजाने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज और समझ रखते हैं। तो मैंने कोशिश की है उनको खुश करें, कैसे भी, अगर जो भी हमसे आता है उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी, अच्छी बात है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल जी, और सलाम।